भूतिया बैंगनी बादल। एक गांव में कई दिनों से दहशत का माहौल था। गांव में रोज किसी न किसी आदमी की लाश मिल रही थी। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे। ऐसे ही एक दिन जमुना नाम की औरत जब सोकर उठी तो अपने पति को घर पर ना पाकर परेशान हो गई। उसने घर के आंगन में जाकर देखा तो उसके पति का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं विधवा हो गई। तभी शोर शराबा सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। लगता है भैया हमें इस गांव को छोड़ना ही पड़ेगा, किसी की बुरी नजर लग गई है हमारे गांव को, रोज कोई ना कोई मरे ही जा रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो सुखिया भैया, अपना गांव छोड़कर कहां जाए, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन करे तो क्या करे। सुनो जी, जल्दी ही कुछ करो, अगर तुम मर गए तो मैं भी विधवा हो जाऊंगी। शुभ शुभ बोलो राजू की माँ, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, समझी। सभी गांव वाले आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ना जाने कहां से एक साधु बाबा वहां आ गए। क्यों दुखी हो रहे हो बच्चा, क्या हुआ, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा को गांव में हो रही घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद बोले, तुम्हारी समस्याओं की जड़ एक दुष्ट है, रुको मैं अभी पकड़ता हूँ उसे, लेकिन सभी गांव वाले मुझसे थोड़ा दूर हट जाओ। साधु बाबा के इतना कहते ही सभी गांव वाले दूर हट गए और साधु बाबा जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। देखते ही देखते चारों ओर धुआं फैल गया। फिर धीरे धीरे धुआं हटते ही एक भयानक चुड़ैल रस्सियों से बंधी हुई गांव वालों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये दुष्ट चुड़ैल ही इतने दिनों से गांव में आतंक मचा रही थी, यही गांव वालों को मार रही थी। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं कुछ खाऊं नहीं। ये सुनकर सभी गांव वाले लाठियां लेकर चुड़ैल की ओर बढ़े। मारो भाइयों, मारो इसे, इस चुड़ैल को छोड़ना मत। ये कहते हुए सुखिया समेत सभी गांव वाले चुड़ैल पर लाठियां बरसाने लगे। ओह, छोड़ दो मुझे, ओह, मुझे मत मारो। भाइयों मैं तो कहता हूँ क्यों ना इस चुड़ैल को जला दें। अरे गांव वालों रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, इस चुड़ैल को जिंदा मत जलाओ, नहीं तो गांव खतरे में आ जाएगा। ई का बोल रहे हो बाबा, भला इस चुड़ैल के मरने से गांव खतरे में क्यों आएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो बाबा, खतरा आएगा नहीं बल्कि हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसा कहकर सुखिया समेत सभी गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल के शरीर में आग लगा दी। आह, दुष्ट गांव वालों, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आह, लेकिन मैं मरूंगी नहीं, मैं फिर लौट कर आऊंगी और इस बार तुम में से कोई नहीं बचेगा। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर मर गई। तभी साधु बाबा परेशान होते हुए बोले, तुम लोगों ने चुड़ैल को जिंदा जलाकर अच्छा नहीं किया, अब इस गांव में बहुत बुरा होने वाला है। अरे बाबा कुछ बुरा नहीं होगा, अब सब कुछ अच्छा ही होगा, चलो भाइयों अपने अपने काम पर चलते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले गए, वहीं साधु बाबा भी कहीं गायब हो गए। फिर कुछ दिनों बाद गांव में अचानक जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते आसमान में बैंगनी रंग के बादल आ छा गए। अरे सुखिया भैया, लगता है बारिश होने वाली है। अरे लेकिन आसमान में काले बादल की जगह बैंगनी रंग के बादल कहाँ से आ गए। अरे हाँ भैया, बैंगनी रंग के बादल, ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है हमारी आँखों में कोई दिक्कत हो गई है। अरे नहीं भैया, ध्यान से देखो, बैंगनी बादल ही है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी तेज तेज आंधी चलने लगी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन गांव में से कई बच्चे गायब हो चुके थे। अपने बच्चों को घर पर ना पाकर उनके माता पिता रोने लगे। अरे कहाँ गया हमारा बउआ। मेरा चिंटू पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यही आंगन में खेल रहा था। कोई तो उसे ढूंढ कर लाओ। अरे हमारा गोलू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अरे गांव वालों कोई तो मेरी मदद करो, मेरा बेटा गायब हो गया है। तभी सुखिया दिलासा देते हुए बोला,
अरे शंकर भैया घबराओ नहीं, आंधी आने की वजह से बच्चे डर के मारे कहीं छुप गए होंगे। चिंता मत करो, अभी हम सब मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर गांव वाले मिलकर बच्चों को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिले। उसके बाद थक हार कर सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। एक सुबह सुखिया और उसका दोस्त भोला आपस में बात कर रहे थे। अरे भोला भैया, गांव के बच्चे ना जाने कहां चले गए, अगर मर भी गए हैं तो कम से कम उनकी लाश तो मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ पता तो चले। तभी कालिया नाम का एक आदमी भागते हुए वहां से गुजर रहा था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। बचाओ बचाओ, भूतिया बैगनी बादल बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। कालिया की बात सुन शंकर और सुखिया उसे पूछने लगे। अरे क्या हुआ भैया, ऐसे कैसे भाग रहे हो, क्या बात है? अरे सुखिया भैया, मैंने भूतिया बैगनी बादल देखा। ये तुम क्या कह रहे हो, भूतिया बैगनी बादल? हाँ भैया, उस भूतिया बादल ने मेरे दोस्त भोला को खा लिया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, पूरी बात बताओ, आखिर क्या हुआ? सारी बात बताता हूँ। आज सुबह जब मैं और भोला खेतों में काम कर रहे थे, तभी हमारे चारों तरफ बैगनी रंग के बादल छा गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उन बादलों में से एक भयानक चुड़ैल की शक्ल दिखाई देने लगी। फिर उसमें से दो लंबे लंबे हाथ बाहर आए और भोला को खींच कर अपने अंदर समा लिया, लेकिन मैं किसी तरह वहां से बचकर भाग निकला। लगता है रात को तुम ढंग से सोए नहीं हो, जाओ जाकर सो जाओ। अरे मेरी बात पर विश्वास करो भैया, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन सुखिया और शंकर कालिया की बात को अनसुना कर वहाँ से चले गए। फिर एक दिन सुखिया अपनी पत्नी जमुना के साथ खेतों में काम कर रहा था। हाय राम, कितनी जोरों की गर्मी पड़ रही है, मेरा तो सर चकराने लगा। सही कह रही हो राजू की माँ, चलो कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। सुखिया और उसकी पत्नी जमुना दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी अचानक वहाँ चारों तरफ बैंगनी बादल छा गए और तेज तेज आंधी चलने लगी। अरे ये क्या हुआ, अभी तो इतनी तेज धूप थी, फिर ये अचानक मौसम को क्या हुआ? तभी सुखिया ने कुछ दूर देखा तो वहाँ मौसम बिल्कुल साफ था। अरे ये क्या, वहाँ तो इतनी तेज धूप और आसमान बिल्कुल साफ है, और यहाँ अचानक बादल कहाँ से आ गए, वो भी बैगनी कलर के। ये कहते हुए सुखिया को कालिया की कही हुई बात याद आ गई। जमुना वो देखो, थोड़ी दूर पर कितनी धूप है, हम यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी चलो यहाँ से। वो दोनों तुरंत वहाँ से जाने लगे। तभी बैंगनी बादल ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें एक भयानक चुड़ैल की शक्ल दिखाई देने लगी। सुखिया तुरंत चुड़ैल की शक्ल को पहचान गया। जमुना जल्दी भागो यहाँ से, ये तो वही चुड़ैल है जिसे लोगों ने जलाकर मार डाला था, भागो नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेगी। तभी भूतिया बैंगनी बादल से दो लंबे लंबे हाथ बाहर आए और जमुना को अपनी ओर खींचने लगा। राजू के पापा बचाओ मुझे, मुझे बादल ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। लेकिन इससे पहले सुखिया कुछ कर पाता, भूतिया बादल जमुना को लेकर वहाँ से गायब हो गया। उधर सुखिया का चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले भी वहाँ आ पहुँचे। अरे क्या हुआ सुखिया भैया, सब ठीक तो है ना? शंकर भैया, वो चुड़ैल मेरी घरवाली को ले गई। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? भैया वही चुड़ैल जिसे हमने जलाकर मार डाला था, वह भूतिया बैगनी बादल बनकर हमसे बदला ले रही है, कालिया सही कह रहा था। अरे दादा, अरे दादा, ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें, ये चुड़ैल तो हम गांव वालों से बदला लेने वापस लौट आई है। भैया मैं तो कहता हूँ हमें उन्हीं साधु बाबा से मदद लेनी चाहिए जिन्होंने पहले भी हमारी मदद की थी, मैंने उन्हें कुछ दिन पहले जंगल में तपस्या करते हुए देखा था। फिर सभी गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास मदद मांगने जंगल में जा पहुँचे। साधु बाबा उन सभी गांव वालों को देखकर आग बबूला हो गए। अब तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, मैंने तुम्हें उस दिन बहुत समझाया था कि उस चुड़ैल को मत मारो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, ये उसी का नतीजा है, वो चुड़ैल अब और भी शक्तिशाली होकर वापस लौट आई है, अब वो किसी के रोके नहीं रुकेगी।
बाबा हम लोगों से गलती हो गई, अब हम क्या करें। हमारी इस गलती से औरतों और बच्चे भी मारे जा रहे हैं। बाबा हम हाथ जोड़ते हैं, हमें इस मुसीबत से बचा लो। गांव वालों को हाथ जोड़ते देख बाबा कुछ सोच कर बोले, ठीक है तुम सब लोग अभी यहाँ से जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सभी गांव वाले वापस अपने घर लौट गए। अगले सुबह होते ही गांव में तेज तेज आंधियां चलने लगी और चारों तरफ बैंगनी बादल छा गए। फिर उन बादलों में से चुड़ैल का चेहरा बाहर आया। गांव वालों आज तुम में से कोई नहीं बचेगा, आज मैं सबको एक साथ मार डालूंगी। गांव वाले डर के मारे एक जगह इकट्ठा हो गए और भगवान का नाम लेने लगे। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी हुई जिसे देखकर चुड़ैल डर गई। तू फिर आ गया, चल जा यहाँ से, मुझे मत मार, जा चला जा यहाँ से। तभी उस रोशनी में से साधु बाबा वहाँ प्रकट हो गए। दुष्ट चुड़ैल अब तू नहीं बचेगी, तेरा अंत अब निकट है। ये कहते हुए बाबा कुछ मंत्र पढ़कर भूतिया बैंगनी बादलों के नजदीक जा पहुँचे। आह, दूर हट मुझसे, मेरे पास मत आ। तभी बाबा के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी की शक्ति से सारे भूतिया बैंगनी बादल नष्ट होने लगे। आह, ये तूने अच्छा नहीं किया बाबा, मैं मर रही हूँ। आह, देखते ही देखते भूतिया बादल गायब हो गए और आसमान पहले की तरह बिल्कुल साफ हो गया और साधु बाबा भी वहाँ से गायब हो गए। यह देख सभी गांव वालों ने मन ही मन साधु बाबा का धन्यवाद किया और चैन की सांस ली। बच्चों को पढ़ाने वाली डायन टीचर। ये कहानी बिलासपुर के एक छोटे से गांव के स्कूल की है। ये स्कूल बहुत समय पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि इस स्कूल में एक हादसा हुआ था, लेकिन बहुत समय बाद दोबारा से इस गांव के मुखिया ने इस स्कूल को दोबारा से खोलने का फैसला किया। गांव वाले भी इस बात से सहमत थे क्योंकि दूसरा स्कूल गांव से बहुत दूर था। गांव के बच्चों को इतनी दूर स्कूल जाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। हाँ हाँ मुखिया जी, आपने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और अब गांव के सभी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन 10th क्लास के बच्चों का टेस्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। मेघा ये क्या है, 20 में से 0 एक भी क्वेश्चन नहीं किया, लाइन में खड़ी हो जाओ। और तुम राधिका, तुमने भी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, सारे गलत, 0। और तुम सोनाली, तुमने भी एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया, 0, लाइन में लग जाओ। और हाँ तुम पायल, तुमने 20 में से 2 क्वेश्चन किए हैं लेकिन वो भी आधे अधूरे, 1 नंबर। ये क्या, क्या मैं तुम्हें पढ़ाती नहीं हूँ, जाओ बाहर ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाओ और वो भी हाथ ऊपर करके। मैम गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप भी अपने चरम सीमा पर है, आप इतने ज्यादा धूप में बाहर ग्राउंड में खड़ा मत कीजिए, और कोई पनिशमेंट दे दीजिए। मैंने क्या कहा, चुपचाप बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और वो भी हाथ ऊपर करके। और सभी बच्चे मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं इस क्लास का फाइनल रिजल्ट अच्छा देखना चाहती हूँ, तुम चारों अभी तक यहाँ खड़ी हो, जाओ यहाँ से। 10th क्लास के बच्चे इतने ज्यादा गर्मी में बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और हाथ ऊपर कर कर खड़े हो जाते हैं। पनिशमेंट तो ऐसे दी है जैसे कितना ज्यादा अच्छा पढ़ाती हो, हमें पता है कि वो कैसा पढ़ाती है। वो सारे बच्चे तो टेस्ट में इसलिए अच्छे नंबर से पास हो गए क्योंकि वो तो अमन भैया से ट्यूशन लेते हैं, वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी ट्यूशन पढ़ते। जब चारों की पनिशमेंट पूरी हो जाती है तो वो अपनी क्लास की तरफ आ रही थी कि तभी उन्हें एक औरत मिलती है। तुम चारों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। आप कौन हैं? आपको आज से पहले तो इस स्कूल में कभी नहीं देखा। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, इसी स्कूल में रहती हूँ, लेकिन अब इस स्कूल की देखभाल करती हूँ। टीचर हो और इसी स्कूल में रहती हो, अच्छा याद आया, प्रिंसिपल मैम बता रही थी कि इस स्कूल में एक आंटी रहती है स्कूल की देखभाल करने के लिए, आप वही हैं? अगर आप एक टीचर हैं तो इस स्कूल में पढ़ाती क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि इस स्कूल में टीचर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। अगर तुम चाहो तो रात को इस स्कूल में आकर मुझसे पढ़ सकती हो, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों का भला भी हो जाएगा।
हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपसे पढ़ने के लिए रात में जरूर आएंगे। वो चारों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और क्लास में आकर पढ़ाई करते हैं। छुट्टी हो जाने के बाद सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद वो चारों अपने माता पिता को नहीं बताते कि वो रात को स्कूल में पढ़ने जाएंगे और वो अपने घर पर झूठ बोलकर इकट्ठा होकर रात को स्कूल में आ जाते हैं। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, चलो जल्दी से अपनी बुक निकालो, समय बर्बाद नहीं करते। राधिका मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, देख तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हम मोमबत्ती में कैसे पढ़ सकते हैं? मैम लाइट नहीं जला सकते क्या? मुझे मोमबत्ती में पढ़ाना पसंद है, तुम्हें पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, लाइट से नहीं। और इस तरह से वो टीचर उन चारों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। एक हफ्ते तक वो चारों रोजाना रात को उस टीचर से पढ़ने आया करते थे। एक हफ्ते बाद दोबारा से टेस्ट था और इस बार वो चारों पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आती हैं। अरे वाह, मेरी पनिशमेंट तो काम कर गई। मेरी पनिशमेंट के बाद तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर तुम चारों के ही हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम चारों के इतने अच्छे नंबर कैसे आए? तुम तो अमन भैया से ट्यूशन भी नहीं लेती और स्कूल में टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाती नहीं है, फिर तुम्हारे हमसे ज्यादा नंबर कैसे आए? तुझे पता है प्रीति, हम चारों रात को यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ स्कूल में एक टीचर रहती है जो बहुत अच्छा पढ़ाती है। इस स्कूल में रात को तुम पढ़ने आती हो? ये क्या बकवास कर रही हो? अरे यार हम बकवास नहीं कर रहे, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है। चेतना मैम ने कहा है अगर प्रिंसिपल मैम को पता चला कि मैं रात को यहाँ स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो वो इस स्कूल से उन्हें निकाल देंगी। वो इस स्कूल की देखभाल करती हैं, बहुत अच्छी टीचर है। अगर तुम भी उनसे पढ़ना चाहती हो तो आ जाना, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? टेंथ क्लास के कुछ बच्चे उन चारों के साथ इकट्ठा हो जाते हैं और वो रात को स्कूल में पढ़ने आते हैं। तुम चारों को डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। देखो तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तो वापस जा रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, मेरे लिए तो अमन भैया ही ठीक है। मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहाँ जा रही हो? अब तुम वापस नहीं जा सकती, जब तक मैं ना कहूँ तब तक चुपचाप क्लास में चलो और पढ़ाई करो। चेतना मैम के कहने पर वो सभी बच्चे क्लास में आ जाते हैं। प्रीति को चेतना मैम थोड़ी अजीब लग रही थी। जब वो बाहर आ जाती है तो वो वॉशरूम के बहाने उनके पीछे पीछे जाती है। अरे ये क्या, अभी तो चेतना मैम यहीं पर थी, अचानक वो कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ, मुझे ढूंढ रही हो क्या? प्रीति दाएं बाएं देखती है तो कोई भी नहीं था और उसके बाद वो ऊपर मुंह करती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि चेतना मैम हवा में लटकी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी नजर आ रही थी और वो जोर जोर से हंसती है। ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर इतने खतरनाक निशान और तुम इस तरह से हवा में लटकी हुई क्यों हो? तुम कौन हो, कौन हो तुम? मैं एक डायन हूँ, डायन टीचर। तू मेरा राज जानने के लिए मेरे पीछे पीछे आई थी ना, मैं तुझे दफन कर दूंगी। तू मेरा राज किसी को नहीं बता पाएगी, किसी को नहीं। जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती तब तक मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं। और ऐसा कहकर वो डायन टीचर प्रीति को घसीटते हुए एक क्लासरूम में ले जाती है और वहाँ ले जाकर उसे बंद कर देती है। कोई है, कोई है, बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन उसकी आवाज उस क्लासरूम में गूंजती रहती है। मैम प्रीति को बहुत समय हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आई, कहाँ है? वो वॉशरूम गई थी। अच्छा प्रीति, वो तो घर चली गई, उसने कहा कि उसे नहीं पढ़ना तो मैंने कहा ठीक है घर चली जाओ। और ऐसा कहकर वो डायन टीचर हंसने लगती है। बेचारे मासूम बच्चे, उन्हें क्या पता था कि प्रीति इस डायन टीचर के चंगुल में फंस गई है। और वो सभी बच्चे पढ़ाई कर अपने घर वापस जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रीति रात के अंधेरे में डायन टीचर के साथ स्कूल में अकेली थी। वो बेचारी बहुत ही ज्यादा डर रही थी। ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं। हमेशा की तरह आज भी सभी बच्चे डायन टीचर से पढ़ने आते हैं। तभी सोनाली मेघा से कहती है, मेघा एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई,
प्रीति 2 दिन से अपने घर नहीं गई। उसकी मम्मी मेरे घर पर आई थी, उसके बारे में पूछ रही थी। तुझे पता है क्या प्रीति के बारे में कुछ? समझ गई। तूने अखबार तो पढ़ा ही होगा, बिलासपुर में ऑडिशन चल रहा है और तुझे तो पता ही है कि उसे हीरोइन बनने का कितना शौक है। हो सकता है कि ऐड देखकर ऑडिशन देने चली गई हो। यार मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चल रही है क्या? मैम हम बस अभी आते हैं। सोनाली और पायल वॉशरूम जा रही थी तभी उन्हें बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज के शोर से दोनों डर जाती है और उसके बाद उन्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज किसी और की नहीं प्रीति की ही थी। पायल ये किसकी आवाज है? कौन चिल्ला रहा है? देख ये आवाज ऊपर से आ रही है, चल ऊपर जाकर देखते हैं। नहीं नहीं रात बहुत ज्यादा हो रही है, अंधेरा भी बहुत ही ज्यादा है, अगर भूत वूत हुआ तो? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी ऊपर कोई आता जाता नहीं है, मैं नहीं जाने वाली। देख तू बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, एक बार चलकर देखते हैं ना, मैं हूँ ना तेरे साथ। सोनाली और पायल को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो डरते डरते ऊपर जाती है और जिस क्लासरूम में प्रीति बंद थी वहाँ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और जैसे ही दोनों उस क्लासरूम को खोलती हैं तो प्रीति रस्सियों से बंधी हुई थी। प्रीति को इस हाल में देखकर दोनों हक्की बक्की रह जाती है। प्रीति तुम यहाँ इस तरह से? तुम जिससे पढ़ रही हो वो एक डायन टीचर है, वो एक डायन है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें एक खास मकसद के लिए पढ़ा रही है। वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, वो डायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्रीति ये तुम क्या कह रही हो? अगर वो एक डायन होती तो हम बच्चों को क्यों पढ़ाती, हमें कब का कच्चा चबा जाती। खैर छोड़, अगर उन्होंने हमें कच्चा नहीं चबाया तो वो तुझे कब का जान से मार देती, तुझे इस तरह से रूम में बंद क्यों रखती। ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देखो उसके पैर उल्टे हैं, मैंने उन्हें हवा में भी लटका हुआ देखा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मुझे और सभी बच्चों को तुम्हें बचाना होगा, यहाँ से जल्दी जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम भी फंस जाओगी। सोनाली और पायल को प्रीति की बात पर विश्वास हो जाता है और उन्हें ये सच जानकर बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि अब तक वो जिससे पढ़ रही थी वो एक डायन टीचर है और वो डरते हुए क्लास में आ जाती है। अरे तुम दोनों इतना ज्यादा क्यों डर रही हो, और तुम्हारे माथे पर पसीना, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो बस हमारी तबीयत ठीक नहीं है मैम, हम घर जाना चाहते हैं। सोनाली और पायल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो उन सभी बच्चों के साथ घर जाने के लिए कहती है और वो स्कूल से बाहर निकलने ही वाली थी तभी वो डायन टीचर स्कूल का दरवाजा बंद कर देती है और अपने असली रूप में आ जाती है और उसके असली रूप में देखकर सभी बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सच जानकर इतनी आसानी से स्कूल से बाहर जा सकती हो? ये कितने ज्यादा खतरनाक है, कितने ज्यादा खतरनाक। देखो देखो हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो, हमें घर जाने दो। इस अमावस की रात मैं 20 बच्चों की बलि चढ़ाकर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और उसके बाद उस दुष्ट प्रिंसिपल से बदला लूंगी जो शहर में ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा है। नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी। तो आप उसे सजा दीजिए ना जिसने आपको मारा, हम मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहती हैं? देखिए हम तो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप हमें मारना चाहती हैं। हमें छोड़ दीजिए डायन टीचर, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मैं इंसान थी तो मेरा दिल बहुत नरम था लेकिन अब मैं डायन बन गई हूँ, मेरा दिल पत्थर का हो गया है, मुझे किसी पर रहम नहीं आता, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे और हो जाएंगे और उसके बाद सबकी बलि चढ़ाकर शक्तिशाली हो जाऊंगी और उस दुष्ट प्रिंसिपल को मार दूंगी और उससे अपनी मौत का बदला लूंगी। देखिए हम आपका साथ देंगे आपकी मौत का बदला लेने में, लेकिन हमें मत मारिए, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। तुम मेरी मौत का बदला लेने में मेरा साथ दोगी? ठीक है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें उस दुष्ट प्रिंसिपल को यहाँ लेकर आना होगा, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, उसे लाना इतना आसान नहीं क्योंकि वो जानता है कि इस स्कूल में मेरी आत्मा भटक रही है।
क्या हम जान सकते हैं कि उस दुष्ट प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों मारा और वो कहाँ मिलेगा? पैसों का लालची था। पैसों के लिए मासूम बच्चों को शहर में भेज रहा था। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उन सभी बच्चों को शहर जाने से रोक लिया, लेकिन उसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया और पंखे से लटका दिया और सबको ऐसा दिखाया जैसे मैंने आत्महत्या की हो और खुद यहाँ से 9:00–11:00 हो गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, उससे अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। ऐसे दुष्ट इंसान को तो सजा मिलनी ही चाहिए। आप परेशान मत होइए, हम आपका साथ जरूर देंगे और उस दुष्ट इंसान को यहाँ जरूर लेकर आएंगे। वो सभी स्टूडेंट्स डायन टीचर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो सभी स्टूडेंट शहर से उस दुष्ट इंसान को यहाँ बुलाने में कामयाब हो जाती हैं और वो किसी बहाने से उसे स्कूल में लेकर आ जाती है। उसके बाद वो डायन टीचर उस दुष्ट इंसान को उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारती है जिस तरह से उसने मारा था। जैसे ही उसकी मौत होती है वैसे ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो सभी बच्चों को धन्यवाद कहकर इस स्कूल से चली जाती है और वो सभी बच्चे किसी को नहीं बताते कि यहाँ पर कभी डायन टीचर भी थी, वो कभी डायन टीचर से पढ़ते भी थे।